Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Swati Gurung and let's start today's vlog. Good morning and मैंने बोला था कि आज आप लोग का मैं अपना रूटीन दिखाऊंगी बट ये मैंने भूल गई. मॉर्निंग का सारा काम कंप्लीट हो चुका है मेरा. बस अब ये देखो बेड मिलाना है और का ये हालत हो रखा है अभी तो वॉशरूम मिलाएंगे एंड ये मैं सब कुछ अभी मिला चुकी हूँ यहाँ पे. इस वाले चीज़ को ये मैंने वीडियो के लिए यहाँ पे शिफ्ट किया था तो इसको अब मुझे दोबारा वहाँ पे देखना है. और कपड़े भी धो के मैंने बाहर सुखा दिए हैं और ये रूम भी मिलाना है और ये बेड भी मिलाना है. यहाँ पे कोई सोता नहीं है बट यहाँ पे निखिल अपना फ़ोन चलाते क्योंकि मैं अंदर रूम पे टीवी देखती हूँ तो वीडियो देखते हैं ना तो इसलिए क्या बोलते हैं मैं उनको टीवी देखने नहीं देती हूँ ना तो इसलिए वो फिर अपना फ़ोन यूज़ करते हैं तो फिर उनको डिस्टर्बेंस होता है तो वो यहाँ पे आके करते हैं. और यहाँ पे भी पूरा फैला हुआ है और तो सब चीज़ मैं अभी पहले पूजा कर लेती हूँ क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट भी बन चुका है. हाँ है ये दिस इज़ पास्ता और इसमें एग भी है और इसमें वेजीज भी है जो कि है शिमला मिर्च कैप्सिकम यस एंड हाँ मेरे को पूजा भी करनी क्योंकि मैं ये सब चीज़ भी ला के रख दिया है. बस अब पूजा करना बाकी है. ये छोटा वाला फ्रिज ही हमारा पुराना वाला फ्रिज है ये अब जाएगा घर. इसको हम लेके जाएंगे घर. ये जाएगा अब पेट्रोल पंप में राइट. और ये देखो यहाँ पे निखिल का वर्कआउट करने का जो भी है ये तो वो जो रूम है उसको एक स्टडी रूम की तरह मिला था हमको तो उस रूम में हम एक सिंगल बेड भी लगा सकते हैं इतना स्पेस है उसमें. तो ये है तो 2 BHK बट उसके साथ 2.5 BHK बोल सकते हो 2.5 BHK क्योंकि हमको उसके साथ एक रूम भी मिला है जो कि सिंगल बेड उसमें आराम से आ सकता है. सो अब मैं पहले मिला लेती हूँ उसके बाद मिलते हैं. ये रूम भी मैंने मिला दिया है अच्छे से अब और वो हमारा वाला रूम भी मिला दिया है मैंने. ये मैं यहाँ पे बैठ रख के कर रही थी तो ये वाला रूम भी मिल चुका है. बस ये वाला रूम बचा है उससे पहले मैं नहा लेती हूँ उसके बाद करूँगी. ही इज़ ऑल्सो बैक. फिर ब्रेकफास्ट दूंगी और उसके बाद शिमला मिर्च की सब्जी बनाऊंगी मैं आज. हाँ ठीक है तो मैंने कब मना किया तुम खा लेना इसमें से. तो वो तुम नहीं खाओगे सब्जी वो वाली क्यों इसको मैं मॉडिफाई क्या होता है खाने को भी मॉडिफाई करता है क्या. ये बच गया हमने बहुत ज्यादा बनाया पूरा सब्जी हटा दूंगा ठीक है एक और वो सब्जी को मैं रोटी के साथ खा लूंगी तुम ये खा लेना. हाँ ठीक है मैं एक अंडा या 2 अंडा फेंट के जो पूरा उसका वो भजिया बना दूंगा और फिर ऊपर से डालूंगा. अबे भाई उसमें ऑलरेडी इतना अंडा है और ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगा फिर और बच जाएगा वो दिखता नहीं है अंडा ही दिखता है मेरे को अंडा कहाँ दिख रहा है मेरे को दिखाओ इसीलिए ना मैं ऐसे नहीं डालता. अब दिख रहा है अंडा दिख रहा है अंडा इसीलिए मैं ऐसे नहीं डालता अंडा कभी भी ना मैं ऊपर से नहीं डालता चाहे मैगी हो चाहे किसी भी चीज में हो बना के फेंट के डालता हूँ या कुकर के डालता हूँ अंडा तो दिखे कम से कम. चलो तिमी मैं नहीं तुम चलो मैं तो लेट्स गो. चलेंगे आप चलने का क्या लेंगे. अरे मंदिर की लाइट जला के चलते हैं मंदिर की लाइट जला दीजिए. मुझे कपड़ों में देखा नहीं होगा बट मैंने हर चीज ट्राई करी है. अगर तुमने मेरा अच्छा पहले ये जवाब दो कि तुम मास्क क्यों लगा के रखते हो हमेशा. क्योंकि क्योंकि मैं मुंह नहीं धोता तो मुंह धोने की जरूरत ही नहीं पड़ती मास्क लगाओ तो.
है ना, और किसी को पता ही नहीं चलता मुंह नहीं धो रखा है। सही बोला। क्या क्या करना पड़ता है इसके व्यूज के लिए? अच्छा झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम, सच बता दो। चलो सच बता दो, बिल्कुल सच है। मेरे सर में मुंह नहीं धोता, मेरे सर पे हाथ रख के बोल दो। चलो मैं गोकू की कसम खा के कहता हूँ मैं मुंह नहीं धोता। गोकू मर जाएगा हाथ से। गोकू मरा हुआ ही है। हाँ तो अच्छा तभी खाए रहा। मुझे क्या पता, मैं नहीं देखती हूँ ड्रैगन बॉल। नहीं फिर से जिंदा हो गया है वैसे। अरे छोड़ो ना, वो उन लोगों को पता भी नहीं होगा कौन है गोकू। देखो आंवला लगे छे टेढ़ा टेढ़ा तोड़े रहने राय दो प्लीज। क्या आंवला? आंवला देखो ना उठा ज्यादा लगे जा। एता बटी जाओ ना, यहाँ बटी चोर। आंवला चोर बाचा। ठुलो वाला ले रहा ठुलो। दिखे जी ना क्या? दो तीन लेके आओ। अरे सियानो वाला होला कोई सा भी लाई दो ना। जल्दी आओ। कोई दिखाओ था कुछ तो वाला, जो सियानो वाला हो कि ठुलो वाला हो। सियानो वाला हो यो। दो के खाना है इसे। क्यों पेड़ में तो लगा था ये? अलग क्या बैंक का 50 टाइप का लगा हुआ। टट्टी नहीं है ये, क्या पता चिड़िया को। चुप रहो यार, हो सकता है। वैसे ये वाला तो साफ है, ये दोनों जेब में डाल दो। वैसे तो अभी मैंने च्युइंगम खाया, अभी घर जाके खाऊंगी, मेरा मुंह कड़वा हो जाएगा। लो पकड़ो ना। इतनी सी जगह में मॉल बन जाएगा क्या? ये तुमको लग रहा है इतनी सी जगह? ये पैसिफिक मॉल पूरा कवर कर देगा इतना सी जगह? हाँ हो सकता है। तुम एक बात बताओ, यहाँ से लेकर वहाँ तक मॉल बनेगा? नहीं ये वाला साइड तो छोटा लग रहा है, इधर वाला साइड बड़ा है, इधर वाला साइड बड़ा है, साइड थोड़ा छोटा है। बट इट्स लाइक मैं वैसा बोल रहा हूँ यार, वैसा शॉपिंग। हाँ वो बन सकता है जो क्या बोलते हो उधर है। बट वो थोड़ा सा ना वो गेट की तरफ बनवाएंगे क्या पता, क्योंकि ताकि बाहर वाले लोग भी आ सके। नहीं बनाएंगे गेट की तरफ से, पहले से रेस्टोरेंट है और फिर गोल्फ कोर्स है, तो रास्ते में जगह नहीं है। ठीक चल चल चलो। कम ऑन आओ ना। टोपी भी नहीं खोलनी है, मास्क भी नहीं खोलना है, सांस आनी चाहिए। पता है तुमको मास्क लगा के कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा आज 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 क्रॉस वाला भी करूंगा। नाइन हुआ कि टेन हुआ? इलेवन। आज मैं भी करूंगी। चलो चलो चलो। अब निकलने वाली है। हो गया रोहित भाई। Nine. अपनी शकल देख लिया। टेन इलेवन चलो, ट्वेल्व थर्टीन कम ऑन फोर्टीन फिफ्टीन हो गया, हो गया हमारा क्रंचेस। आज 75 कर दिया तुमने। क्लोरीन का क्या का? क्लोरीन।
अच्छा, और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। सो गाइज वी आर बैक एंड मैंने शावर भी ले लिया है क्योंकि पूरा टी शर्ट भीग गया था। और अब हम लोग करेंगे डिनर, बट डिनर से पहले निखिल जा रहे हैं अपना रात का स्नैकिंग के लिए, स्नैक्स लेने के लिए। सो यहाँ पे बहुत सारे अभी मैं जो कपड़े धोए थे वो पड़े हुए हैं, तो इसको मैं समेट लेती हूँ पहले। इसको क्या बोलते हैं हमारे नेपाली में, तो उसको पट्टाना बोलते हैं, बट हिंदी में क्या बोलते हैं, तय, तय लगाना। सो तय लगाऊंगी इन सबको एंड या उसके बाद फिर डिनर करेंगे एंड उसके बाद अपना नेटफ्लिक्स। यस, क्योंकि हम लोग को सीरीज देख, ये नाटक जो चलता है स्टार प्लस ये वर्सो देखने की आदत नहीं है मुझे, मतलब छोटे से ही नहीं पसंद है सीरियल वगैरह ना, पसंद नहीं है मुझे। तो नेटफ्लिक्स या अमेजोन यही सब देखते हैं। तो अभी निखिल आ जाएंगे उसके बाद। तो गाइस या अभी का क्या बोलते हैं, हमारा जो दिन था वो अभी आज का यहीं तक ही है। सो विल सी यू टुमारो, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी सो गाइज, बिकॉज मैं ये वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ और ये वीडियो इसलिए डाला क्योंकि मैं नहीं जा पाई इसके बर्थडे पे, मैंने कभी भी मिस नहीं किया है क्योंकि इसके बर्थडे में मैं हमेशा कुक बनती हूँ, बट इस बार नहीं जा पाई। तो क्या बोलते हैं, मैंने दीदी को बोला था कि आप ही वीडियो करके भेज देना मुझे और हैप्पी बर्थडे, क्योंकि उससे एक दिन पहले भीना का जीजू का बर्थडे आता है और उसके नेक्स्ट डे उनकी बेटी का, तो दोनों का बर्थडे एक साथ ही मना लिया। सो यस, अगर वो एक दिन पहले पैदा होती ना, मतलब ज़्यादा टाइम का भी फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले पैदा होती ना, क्योंकि ये 12 बजे के बाद पैदा हुई थी, तो 12 बजे से पहले पैदा हो जाती तो बिल्कुल ही साथ में मना सकते थे बर्थडे, बट कोई बात नहीं। सो मैं नहीं जा पाई इसलिए मेरी तरफ से यहीं से हैप्पी बर्थडे, दिल से खुश रहो दोनों के दोनों, बट मैं नहीं जा पाई इस चीज़ का, इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है, बट कोई बात नहीं, मेरा गिफ्ट तो पहुंच गया होगा। मैं नहीं जा पाई बट कोई बात नहीं, बट आप लोगों ने मज़े किए, मैंने वीडियो में देख के बहुत सारे क्या बोलते हो उसे मज़े ले लिए हैं, और आप लोग भी मज़ा लो। और आप लोग भी विश कर सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके, रिद्धि और जीजू को बर्थडे विश कर सकते हो। सो गाइज, आज का व्लॉग यहीं तक था, तो फिर मिलते हैं, बाय बाय। बाबू दिखा, और ये दिया है दादी, वो क्या रही, और ये दिया है पप्पू ने, चॉकलेट किसने दिया बड़ा बड़ा वाला, पल्लू दीदी ने, ना दीदी ने, कौन से दादा ने, सौरभ दादा ने, अच्छे से दिखाओ उसे, सारे मेरे गिफ्ट हैं।